ओम एक ऐसा रहस्यमयी शब्द है जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। ओम कोई शब्द नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। वैसे ओंकार ध्वनि के 100 से भी ज्यादा अर्थ बताए जाते हैं। ओम अनादि और अनंत है, समस्त जगत की निर्माण की अवस्था का प्रतीक है। ओम मंत्र बड़ा ही अद्भुत है। ओम मंत्र के जाप मात्र से व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में ओंकार ध्वनि को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। इसके उच्चारण करने मात्र से ही समस्त शरीर पर यह अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओंकार ध्वनि के महत्व से सभी लोग परिचित हैं, और जो नहीं जानते वह भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जो हमारी आत्मा को उस परम परमात्मा से जोड़ सकता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान चक्षु खोल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ओम के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं? इसके उच्चारण की विधि क्या है और क्या है इसके उच्चारण से होने वाला असर? अगर हम अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार जाने तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे मस्तिष्क को शून्य से जोड़ सकती है। हमारे वेदों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना गया है, अर्थात इसी से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। जब सृष्टि की भौतिक संरचना की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ध्वनि ओम की ध्वनि थी। ऐसा नहीं है कि ओम धर्म की मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी ओम के अनेक रहस्यों के बारे में बताया गया है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक यानी 21वीं सदी के वैज्ञानिक भी ओम के रहस्यों को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि योग की मुद्राओं में बैठकर ओम की ध्वनि का उच्चारण शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देता है। कई विश्वविद्यालयों में ओम के उच्चारण पर विशेष शोध हुए, जिसमें पाया गया कि जो लोग ओम का उच्चारण करते थे दूसरों से ज्यादा शांत और एकाग्र थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि वे लोग जो ओम का उच्चारण कर रहे थे उनके अंदर पनप रही बीमारियां बहुत ही धीमे गति से पनप रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस पर गहन शोध किया तो उन्होंने कहा कि यह प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट वह होता है जब किसी नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव चीजों से बदला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो सोच कर बीमार पड़ जाते हैं। जब इन लोगों को मेडिसिन के स्थान पर चीनी की गोलियां दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि यह मेडिसिन है, उसका सेवन करने के बाद ये लोग खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। क्या ये इफेक्ट भी ओम के इफेक्ट से समानता रखता है? यूनाइटेड स्टेट में भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें ओम के उच्चारण से मनुष्य के शरीर पर क्या फर्क पड़ता है इस पर शोध चल रहा है। इसके लिए अलग अलग ध्वनियों को ऊंची आवाज में बजाया जाता है। अलग अलग ध्वनि का प्रभाव शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता है। ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर तब हैरान हुए जब ओम की ध्वनि का असर पानी पर एक विशेष आकृति बना रहा था। वह आकृति हिंदू धर्म के श्री यंत्र जैसा था, जबकि कोई और ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। इसीलिए रिसर्चर ने यह दावा किया कि ओम की ध्वनि के उच्चारण से हमारे मस्तिष्क पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसके उच्चारण से हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर कुछ विशेष प्रभाव पड़े। अगर हम अपने वेदों की बात माने तो उसमें कहा गया है कि ओम की ध्वनि के उच्चारण से ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका सही उच्चारण करने से ही यह असर पड़ता है। अब इसका उच्चारण कैसे किया जाए इसकी विधि हम इस वीडियो में बता रहे हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण की सबसे मधुर वेला प्रातः उठकर है। प्रातः उठकर योग मुद्रा में बैठकर, चाहे वह पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन हो, इन योग आसनों में बैठकर आपको लंबा खींचकर ओम का उच्चारण करना है, कुछ इस तरह। ओ
इसका उच्चारण आप 5, 7, 10 या 21 बार कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय है। हाँ, अगर आप जोर से और गहरी सांस लेकर नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको जब भी घबराहट हो तो आप ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दें। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। ओम ध्वनि हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित करती है। ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है, इससे शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचाने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो यह समस्या कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आ जाएगी। ऐसा मैंने कई बार किया भी है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होती है। ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसका बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप ओम शब्द के उच्चारण को एक एक शब्द खींच कर कहेंगे, जैसे ओ। आप भी इसका उच्चारण करिए और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई योग पद्धति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।